तो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। इस समय भारत में कितनी गर्मी पड़ रही है ये हम सब लोगों को पता है, और आज का वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है कि इंसान का शरीर कितना ज़्यादा गर्मी झेल सकता है और कितना ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद इंसान का मौत भी हो सकता है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है और उत्तर भारत में अगले एक सप्ताह तक हीटवेव की वार्निंग है। ज़्यादातर राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, और राजस्थान के फलौदी की बात की जाए तो वहाँ पर तो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। ऐसे में सवाल है कि इंसान अधिकतम कितना तापमान झेल सकता है और किस लेवल के बाद इंसान की मौत हो सकती है। तो देखिए, इंसान के शरीर का तापमान जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इंग्लैंड के रोहेम्पटन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक ह्यूमन बॉडी 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आसानी से सहन कर लेती है, लेकिन अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर या उससे अधिक होता है तो हमारी ह्यूमन बॉडी हीट एब्जॉर्ब या गर्मी से छुटकारा पाने की क्षमता खोने लगती है। पॉपुलर मैकेनिक्स की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी के लिए रेड सिग्नल है। इस टेम्परेचर के बाद हमारी त्वचा से पानी बहुत तेजी से इवापोरेट होने लगता है। जब शरीर का तापमान नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और मेडिकल की भाषा में इसे स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते हैं। गर्मी के दिनों में हमारी बॉडी पसीना, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड फ्लो, वैसोडाइलेशन के जरिए टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। मेडिकल जर्नल लेसेंट के मुताबिक अगर हमारी बॉडी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो मांसपेशियां जवाब देने लगती हैं, ऑर्गन फेल्योर से लेकर हार्ट अटैक जैसी समस्या हो सकती है, जान भी जा सकती है। ऐसे लोगों को ज़्यादा खतरा रहता है जो पहले से बीमारी से जूझ रहे हैं। तो भाई लोग, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।